बिस्मिल्लाह सर, एक छोटा सा एरिया है एक्विटी सिक्योरिटीज कैरी डेट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इसके ऊपर सर अगर हम डेफर टैक्स का इम्पैक्ट देखें तो मिसाल के तौर पर सर मेरे पास एक्विटी सिक्योरिटीज हैं। मैंने 10,000 रुपये की एक्विटी सिक्योरिटीज खरीदी हैं, 100 शेयर्स खरीदे हैं 1 जनवरी 2003 को। ठीक है जी, तो मैं अपने पास सर एंट्री पास कर रहा हूँ 1 जनवरी 2003 को। एंट्री पास कर रहा हूं सर इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट। यह है मेरे पास सर 10,000 रुपये से। ठीक है जी, और कैश क्रेडिट। ठीक है जी, अब देखिए जितने रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है ना, एफबीआर के हिसाब से इसका टैक्स बेस भी इतना ही है। तो डे 1 पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि आपका अकाउंटिंग बेस भी 10,000 है, यानी कैरिंग अमाउंट, और टैक्स बेस भी 10,000 है। ठीक है जी, फिर हुआ ये कि सर 31 दिसंबर का दिन आ गया, 31 दिसंबर 2003। ठीक है जी, जैसे ही 31 दिसंबर 2003 आया तो सर एफबीआर सॉरी इसकी फेयर वैल्यू बढ़ के या कम होके से 8,000 हो गई। जब कम हो गई तो सर मैंने क्या किया, ओसीआई डेबिट किया। ये लॉस याद रखना, पीएनएल में नहीं जा रहा, 2,000 का लॉस। ठीक है जी, और फिर मैंने क्या किया सर, इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्रेडिट कितने से जाना, 2,000 रुपये से। अब बताएं जब ये एंट्री मैंने पास की तो मुझे याद आया कि सर उस ओसीआई का जो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये एक लॉस है जो पीएनएल की जगह ओसीआई में गिरा है, तो उससे रिलेटेड डेफर टैक्स भी ओसीआई में जाना चाहिए। अब बताएं सर इसका कैरिंग अमाउंट कितना है, सर इसका कैरिंग अमाउंट है 8,000। इसका टैक्स बेस कितना है सर, 10,000, क्योंकि एफबीआर अनरियलाइज लॉसेस को नहीं मानता। तो सर मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस आ गया 2,000 रुपए का। इस डिडक्टेबल डिफरेंस पर डेफर टैक्स एसेट बुक होना चाहिए, लेकिन सर मैं डेफर टैक्स एसेट बुक करूंगा कितने से, मल्टीप्लाई 0.3। ठीक है जी, और मेरे पास सर ओसीआई क्रेडिट, ये पीएनएल में नहीं जाएगा, क्योंकि सर जो रिलेटेड लॉस है वो ओसीआई में गया है, तो सर इससे रिलेटेड डेफर टैक्स भी ओसीआई में ही जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब बताएं इसके बाद क्या हुआ दोस्त, कोई इस पर करंट टैक्स का इंपैक्ट नहीं सर। फिर हमारे पास सर आया जनाब 31 मार्च 2004, इस पर मिला हमें कैश डिविडेंड। तो जैसे ही कैश डिविडेंड मिला, एफबीआर की नजर में भी सर कैश डिविडेंड एक इनकम है। कितने का है सर ये कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड है हमारे पास सर 500 रुपए का, 500 रुपए का, और डिविडेंड इनकम ग्रेड कितने से जनाब। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर डिविडेंड पर टैक्स रेट 10%, इस पर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। तो सर मैं करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर रहा हूँ, 10% के हिसाब से हो जाता है सर ये 50, और मेरे पास करंट टैक्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा कितने से जनाब, 50 से। ठीक है जी, डन हो गया। इस पर कोई डेफर टैक्स अराइज नहीं हो रहा, क्योंकि सर देन एंड देयर कैश रिसीव हो रहा है, तो कोई डेफर टैक्स का मसला नहीं है। अकाउंटिंग की नजर में भी इनकम, टैक्स की नजर में भी इनकम। फिर हमारे पास सर 31 दिसंबर 2004 आता सर, ये इन्वेस्टमेंट सर बढ़ के हो जाती है 13,000 रुपए की। ठीक है जी, तो मैंने अपने पास फिर एंट्री पास की इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट कितने से बाबू, 5,000 रुपए से। ठीक है जी, ओसीआई क्रेडिट कितने से बाबू, 5,000 रुपए से। अब ये दिमाग में रखिएगा कि आपके पास सर अब ये जो इनकम आई है 5,000 रुपए की, आप इस पर सर डेफर टैक्स भी ओसीआई के थ्रू ही बुक करोगे। तो मैं काम कर रहा हूँ सर ओसीआई को डेबिट कर रहा हूँ सर कितने से, 5,000 का 30%। ठीक है जी, और मैं क्रेडिट क्या कर रहा हूँ सर, पहले तो अपना डेफर टैक्स एसेट खत्म कर रहा हूँ जो ऊपर बुक हुआ हुआ था, फिर बाकी डेफर टैक्स लायबिलिटी बुक कर रहा हूँ कितने सर। अभी तक देखिए मेरे पास सर पीएनएल में सिवाय डिविडेंड इनकम की और कोई चीज नहीं गई है, और सिर्फ उसी से रिलेटेड डेफर टैक्स, उससे रिलेटेड कोई डेफर टैक्स ही नहीं है। तो अभी तक डेफर टैक्स जितनी भी चीजों का आया है वो रिलेटेड टू ओसीआई ही है। अब अज्यूम करें सर मैंने इसको 1 जनवरी को निकाल के बेच दिया 2005 को। ठीक है, जब 2005 को आप निकाल के बेच रहे हो ना, इससे पहले मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट क्या है। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कितनी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है सर हमारे पास, 13,000 रुपए की। सर मेरे पास ओसीआई का बैलेंस कितना पड़ा है इंक्लूडिंग नेट ऑफ डेफर टैक्स, सर मेरे पास ओसीआई का डेबिट बैलेंस पड़ा है सर, फिर मेरे पास सर ओसीआई का क्रेडिट बैलेंस आया, फिर मेरे पास सर ओसीआई का क्रेडिट बैलेंस आया, और फिर मेरे पास ओसीआई का
डेबिट बैलेंस है, नेट 2100 रुपये का उसके खड़ा है। सर मेरे पास डेफर टैक्स लाइबिलिटी मौजूद है सर कितने की, 900 रुपये की। ठीक है जी, अगर आप वैसे ही चेक करना चाहते हैं सर कि मेरे पास 900 रुपये का जो बैलेंस खड़ा हुआ है वो इफेक्टिवली 3000 रुपये का OCI है मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये ना 900 आ गया और नेट ऑफ डेफर टैक्स OCI आ रहा है 2100 रुपये का, डन। अब मैंने इसको बेच दिया सर, 13000 में बेचा, तो क्या एंट्री पास की, कैश डेबिट कितने से, 13000 रुपये से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से, 13000 रुपये से। मुझे एक बात बताओ, टैक्स वाले की नज़र में गेन कितना है, टैक्स वाले की नज़र में सर आपने 13000 रुपये की एक चीज़ बेची है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 10000, तो गेन उसके अतर है, तो करंट टैक्स एक्सपेंस इस पर कितना आता है सर, 900 रुपये का। अब मैंने सर करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट किया कितने से, 900 रुपये से, और करंट टैक्स पेबल क्रिएट कर दिया कितने से। अब देखा अकाउंटिंग इनकम कोई नहीं आई है लेकिन एक टैक्स आ गया। अब इस टैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स करना पड़ेगी, कहां से रिवर्स करना पड़ेगी सर, PNL से। तो बताएं सर मेरे पास, अब मैं डेफर टैक्स इनकम बुक कर रहा हूं, इसलिए बुक कर रहा हूं सर PNL से कि मेरे पास ये करंट टैक्स एक्सपेंस जो PNL में जा रहा है ना इसको न्यूट्रलाइज कर सकूं। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है 2005 में, मैं कहूंगा नील, तो सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए, नील। अब बताएं सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है सर, 900, तो मुझे डेफर टैक्स इनकम क्रिएट करना पड़ेगी सर PNL में कितने की, 900 रुपये की, ताकि न्यूट्रलाइज होके क्या हो जाए, जीरो। तो याद रखना सर हमारे पास जब मूवमेंट होगी ऊपर नीचे इन्वेस्टमेंट के अंदर तो सारा डेफर टैक्स OCI में जाएगा, लेकिन जब बेचोगे तो जितना डेफर टैक्स का बैलेंस पड़ा है वो PNL के थ्रू रूट होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। देख लेंगे।